छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण ने नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति के तहत मदद मांगी है। पीड़ितों का कहना है कि क्षेत्र में ग्रामीण नक्सलियों से पीड़ित हैं। नक्सलियों ने कई लोगों की हत्या की है। वहीं सरकार ने नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति के तहत पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी, आवास, फ्री शिक्षा देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नक्सल पीड़ित परिवारों की मांगें पूरी नहीं हुई। बता दें कि नक्सल पीड़ित परिवार कई बार सरकार को आवेदन दे चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार राजनांदगांव की कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर मांग की है कि नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए घोषित सहायता और योजना का लाभ परिवारों को मिल सके। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 30 जनवरी से नक्सल पीड़ित परिवार रायपुर में होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें नौकरी, मकान, छात्रवृत्ति, बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए और राशन बस पास देने का प्रावधान है। लेकिन हमारी पॉलिसी का लाभ लेने के लिए हम लगातार कई सालों से हम चक्कर काटते काटते यहाँ थक चुके हैं। कई यहाँ एसपी बदल गए, आगे कलेक्टर बदल गए, अब तो अपना सरकार ही बदल गई है। हम कुछ दिन पहले रायपुर में एक आंदोलन किए थे इसी अपना पुनर्वास नीति के लाभ के संबंध में। उस समय भाजपा सरकार, रमन सिंह जी ने हमारे आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया था और मीडिया में भी उसका आया था। तो हम चाहते हैं कि अब सरकार बदल गई है और रमन सरकार हमारे समस्या और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करे। क्या समस्या आपका? हमारा तो समस्या श्रीमती सुभाष सलामे मानपुर की हूँ, नक्सल पीड़ित से हूँ और नक्सल पीड़ित का समस्या है सर बहुत सारी। तो पुनर्वास नीति जो शासन रणनीति बनाया गया है, अभी तक के कोई रणनीति का लाभ नहीं मिला है हम लोग को। और 15 साल से हम लोग ऐसी गुंजाइश कर रहे हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। अभी तक के भूपेश सरकार का रणनीति था, वो भी अभी तक के हम लोग को लाभ नहीं मिला है सर। और अभी